उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक देशभक्त ऐसा भी है जिसने कोरोना संक्रमण की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के समय प्रण लिया था कि जब तक देश कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन नहीं बना लेता वो अपने बालों का मुंडन नहीं कराएगा। इस देशभक्त ने आज तिरुपति बालाजी महाराज के सामने आज अपने बालों का मुंडन कराते हुए देश के लोगों से सुरक्षित रहने की अपील भी की है। भारत सहित सभी बड़े देश पिछले एक साल से कोरोना संक्रमण की जद में है। लाखों लोग इस संक्रमण के चलते अपनी जान गवा चुके हैं। वहीं मुरादाबाद के नवीन नगर निवासी एक देशभक्त ने आज अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया है जो उसने पिछले साल 22 मार्च को उस समय ली थी जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। मुरादाबाद नगर निगम में वार्ड पार्षद अजय दिवाकर ने आज उस प्रण को मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम तिरुपति बालाजी के मंदिर पहुंचकर अपने बालों का मुंडन कराते हुए देश के नागरिकों से अपील की कि कोरोना काल चल रहा है, केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते रहें। अब स्वदेशी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। ये आप सबके सामने मैं आया हूँ। सबसे पहला लॉकडाउन जो मुरादाबाद में नहीं पूरे देश के अंदर लगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि कोरोना जैसी महामारी विदेशों में भी और हमारे देश में भी बहुत जोरों पे चल रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर लॉकडाउन किया गया और जिसमें लोगों को घरों में रहने का निर्देश दिया गया। कोविड-19 के तहत पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ के साथ और प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इनके द्वारा नियंत्रण करा गया और प्रत्येक घर में खाने की सुविधा, राशन की सुविधा और जितने भी बाहर के मजदूर थे उनको अपने घर में पहुंचाने की सुविधा के साथ साथ बहुत बड़ी एक टीम वर्क कर पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, सोशल सोसाइटी, सिविल डिफेंस एवं जो समिति और सोसाइटी चलती हैं उन्होंने काबू पाने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया, जिसकी वजह से आज हम लगभग एक वर्ष पूरा होने जा रहा है नियंत्रण में है और भारतवर्ष की एक प्राथमिकता उपलब्धि है कि ये कोविड-19 का जो वैक्सीन है, टीका है, ये हमारे यहाँ शुरू हो चुका है बहुत तेज़ी के साथ, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, इन सब से आम जनता में टीका लगना शुरू हो चुका है, जिसमें समस्त भारतवर्षवासियों का सहयोग मिल रहा है और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे द्वारा एक संकल्प लिया गया था कि मैंने अपनी दाढ़ी के बाल छोड़ दिए थे और आज भगवान तिरुपति जी महाराज बालाजी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित हैं वहाँ मैंने बोले थे, लेकिन किसी कारणवश कोविड-19 के चलते हुए हम लोग 1 जनवरी को वहाँ नहीं जा पहुँचे, जिसकी वजह से आज भगवान श्री तिरुपति महाराज जी का स्थापना हमारे मुरादाबाद महानगर में भी, नए मुरादाबाद में हुई है, वहाँ इस दाढ़ी के बालों का दान देने जा रहा हूँ। भगवान को बहुत प्रिय है बाल, तो इनका दान देने के लिए मैं वहाँ अपने परिवार से पूजा अर्चना के साथ मैं पहुँच रहा हूँ और आज इन दाढ़ी के बाल का दान देऊँगा। उसके बाद सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्वास्थ्यकर्मी आपके दरवाजे पर आते हैं टीका लगाने के लिए उनका सहयोग कीजिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतवर्ष की कि ये टीका हमारे यहाँ तैयार हुआ और साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।